नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन संग नई सरकार बनाते ही सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। बिहार ही नहीं बदले सियासी समीकरण का असर दूसरे राज्यों में भी नजर आ रहा है। जेडीयू के नेता रह चुके पवन वर्मा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नीतीश कुमार के स्टैंड पर पवन वर्मा ने आपत्ति जताई थी, इसके बाद जेडीयू से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वे ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए थे। पवन वर्मा ने ट्वीट पर ही टीएमसी से इस्तीफा देने का शुक्रवार को ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ममता बनर्जी जी कृपया पार्टी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मुझे दिए गए स्नेह के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा संपर्क में बने रहने की आशा करता हूँ। आपको शुभकामनाएं। पवन वर्मा को दिसंबर 2021 में टीएमसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बनाया गया था। हालांकि इस साल फरवरी में पार्टी पदाधिकारियों की नई समिति बनाई गई थी, जिसमें उन्हें कोई औपचारिक पद नहीं दिया गया था। अब जेडीयू के एनडीए से अलग होते ही पवन वर्मा ने टीएमसी को अलविदा कह दिया है। हालांकि टीएमसी ने पवन वर्मा के पार्टी छोड़ने को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अब ऐसी चर्चा है कि पवन वर्मा फिर से जेडीयू के साथ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।